प्रोडक्ट्स इसके बारे में है। तो न्यूजीलैंड्स बैंड द और तमाकोस दोज आर द बॉन्ड ऑफ टू आफ्टर 2008 प्रोविंस ए न्यू लॉ। तो ये क्या है, लीगल एज ऑफ द बाय टमैको प्रोडक्ट। न्यूजीलैंड द पार्लियामेंट पास द लेजिस्लेटिव एंड इंक्रीज द लीगल एज ऑफ द तमाकू प्रोडक्ट ईच ईयर। न्यूजीलैंड ने संसद ने एक कानून पारित किया है जिसमें हर साल तंबाकू उत्पादन करने के लिए कानून की उम्र को बढ़ाया गया है। व्हाट इज द बिल, क्या है स्मोक ऑफ द एनवायरमेंटल एंड द रेगुलेटरी प्रोडक्ट स्मोक तंबाकू अमेंडमेंट बिल द सेल ऑफ तंबाकू एनीवन बोर्न आफ्टर द 2008। धूम्रपान युक्त वातावरण और जो नियमित उत्पादन जो धूम्रपान तंबाकू विधेयक के लिए 2008 में पैदा हुए बच्चे किसी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। दोज द वायलेंट द प्रोविजन मेड द फाइंडेड ऑफ द न्यूजीलैंड 150,000 यानी कि लगभग जो 79 लाख अप्रोक्सीमेटली इसमें जो 79 लाख का जो जुर्माना लगाया जाएगा इसे। और दिस बिल विद अ सिग्निफिकेंट लिमिटेड नंबर ऑफ द रिलेटेड सेल्स ऑफ स्मोक तंबाकू प्रोडक्ट। यह बिल जो स्मोक्ड तंबाकू जो जितने भी हमारे उत्पादन बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं की संख्या को महत्वपूर्ण के रूप में सीमित कर सकता है। इट्स एम टू प्रिवेंट द यंग पीपल फ्रॉम द टेकिंग ऑफ द स्मोकिंग द प्रोहिबिटेड सेल्स एंड स्मोकिंग द तंबाकू प्रोडक्ट एनीवन बोर्न आफ्टर द 1 जनवरी 2009। तो ये इसका उद्देश्य जो 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने वाले उत्पादन के लिए बिक्री पर रोक लगाने वाले युवा को धूम्रपान को रोकना है। इट्स मेक्स द स्मोक द तंबाकू प्रोडक्ट द एपनिंग ऑफ द एडिक्टिव। यह जो स्मोक तंबाकू पानों को कम से आकर्षण और नशीला बनाने के लिए है। इट विल द लिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ द सोप अवेलेबल ऑफ स्मोक तंबाकू प्रोडक्ट। यह जो स्मोक तंबाकू उत्पादनों के लिए बेचने और जो सक्षम दुकानों की संख्या को सीमित करेगा। स्मोकिंग इन न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड क्या है, रोट द रेट ऑफ द स्मोकिंग ऑन द न्यूजीलैंड ऑफ ऑलरेडी लॉ बट दे आर द रिस्पेक्ट ऑफ विद इन द कम्युनिटीज। न्यूजीलैंड का धूम्रपान पहले से ही जो कम है और इससे समुदाय के भीतर जो असमानताएं हैं। 8% एडल्ट आर द डेली स्मोकर 2020 और 2022। तो ये 2021-2022 के साथ 8% जो वैसे दैनिक धूम्रपान के वाले थे। स्मोकिंग रेट्स आर